सकते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है। वे अगर टीका लगाना उनको पसंद नहीं है तो टोपी पहन सकते हैं, वो सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। अन्यथा अब तो राजशाही का दौर नहीं है, संविधान और कानून की मान्यता है, वो स्वतंत्र हैं। जिस भी मत और मान्यता को, पंथ को, धर्म को मानना चाहते हैं वे मान सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं पर बयान देकर जीतन राम मांझी कुछ न कुछ विवाद पिछले कुछ दिनों से खड़ा कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि 75 साल से हिंदू रहने के बाद भी उनकी स्थिति एक गुलाम जैसी है और ऐसे में वो हिंदू धर्म के कई मुद्दों को लेकर वो बोलते नजर आए। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने वो आपको सुनाएंगे, लेकिन बता दें कि इस बयान के बाद जीतन राम मांझी पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने सीधे सीधे जीतन राम मांझी से सवाल पूछा और कहा कि अगर आपकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो जरा ये बताइए कि किस धर्म में आपकी आस्था है, और अगर आपको टीका लगाने से परहेज है तो आप टोपी क्यों नहीं पहन लेते। क्या कुछ कहा मांझी ने और उस पर किस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है, जरा सुनिए। हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है, इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं। बिहार के वरिष्ठ बुजुर्ग और सम्मानित नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी पिछले दिनों से लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण एवं अन्य समाजों के विरुद्ध अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करते रहे हैं। हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो वे बताएं कि किस मान्यता को वो मानते हैं, किस पंथ को मानते हैं। उनके परिवार में भी बेटे बेटियों की शादी हुई होगी तो वो किस पद्धति से वो करते हैं, और वहाँ पुराने लोग जो उनकी पीढ़ी के पूर्वजों का श्राद्ध कर्म होता होगा तो किस पद्धति से होता होगा। वे स्वतंत्र हैं, वे अगर टीका लगाना उनको पसंद नहीं है तो टोपी पहन सकते हैं। अब अगर किसी भी धर्म में और धार्मिक मान्यता में उनको विश्वास नहीं है तो ये भी बताना चाहिए कि वे अधार्मिक हैं। ये जीतन राम मांझी जी पर या तो उम्र का असर हो गया है या तो दिमागी रूप से अनबैलेंस हो गए। अगर आप में ब्राह्मण का लक्षण है तो आप राजनीति छोड़ करके क्यों नहीं ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लेते हैं और समाज आपसे पूजा पाठ कराएगा, लेकिन आप किसी को अपमानित करने का काम नहीं कीजिए। आप समाज के एक बुजुर्ग आदमी हैं, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप इस तरह से किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी पेशा करने वाले लोगों को, किसी भी समाज को योगदान करने वाले लोगों पर आप अपमान का शब्द का प्रयोग नहीं करें। बीजेपी के इस तीखे हमले के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बौखला गई और हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तीखा हमला बीजेपी पर बोला और कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी पॉलिटिक्स करती है, हिंदू की बात करके हिंदुओं का वोट जरूर लेती है लेकिन दलितों पिछड़ों के लिए कुछ खास काम नहीं कर रही। बयान सुनिए। जीतन राम मांझी जी के ऊपर में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि मांझी जी को टोपी पहन लेना चाहिए। अपने अंदर झांक कर देखिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप हिंदुत्व के नाम पर वोट की सियासत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आपने दलितों की कभी चिंता ही नहीं की है, इसलिए जीतन राम मांझी जी आज उठ खड़े हुए हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्व की अगर राजनीति करनी है तो हिंदुत्व की राजनीति की आड़ में दलितों का दोहन और शोषण बंद करिए, न्यायपालिका में आरक्षण दिलवाइए, केंद्रीय सचिवालय में, केंद्रीय कैबिनेट में दलित पदाधिकारियों की उच्च स्तर पर, उच्च पोजिशन पर पोस्टिंग करिए, तब जाकर माना जाएगा कि आप हिंदुत्व के रहबर हैं।
बता दें कि फिलहाल बिहार की सियासत में उलटफेर हो चुका है। तेजस्वी नीतीश हाथ मिला चुके हैं और बीजेपी बिहार में अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे भी करके हिंदू वोटों को एक साथ रख के आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया जाए। वहीं महागठबंधन से जुड़े नेताओं की कोशिश ये है कि कैसे भी मुस्लिम के साथ साथ दलितों पिछड़ों का वोट अपने साथ लेकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए कि बीजेपी की हिंदुवादी सियासत को वो टक्कर दे सके। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से दांव तो खेले जा रहे हैं, लेकिन जनता किसको मत देती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।